सपोज कि आपके कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जानी है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एच होते हैं उनको दी गई है तो अब वो क्या जो भी फ्रेशर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं क्या वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं तो उनको फ्रेशर पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करनी है साथ ही साथ उनको लेक्चर्स भी लेने होंगे और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं उसको भी कंडक्ट करना होगा तो क्या ये सारे काम वो अकेले परफॉर्म सकते हैं? नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कराना है कि वह टास्क को क्या करेंगे अलग अलग लोगों में असाइन कर देंगे यानी कि रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट जो है मिस्टर एक्स कर लेंगे जो डेकोरेशन का अरेंजमेंट है वो मिस्टर वाई कर लेंगे तो इस तरीके से क्या करते हैं वो टास्क को जो है ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को अब उनके अंडर जो काम कर रहे होंगे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं तो उस डिपार्टमेंट में जो अदर फैकल्टीज होंगे उनको जो है उन्होंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया कि जो मिस्टर एक्स सर हैं वो जो है डेकोरेशन का देख लेंगे मिस्टर वाई सर हैं वो डांस का प्रोग्राम देख लेंगे मिस्टर जेड सर हैं वो जो है कुछ और रि, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट देख लेंगे तो इस तरीके से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग टास्क को अलग अलग फैकल्टीज में डिवाइड कर देता है और फिर फाइनली जो है वो एक अच्छे से फ्रेशर पार्टी जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा सकती है तो जब भी कोई मैनेजर या फिर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी टास्क असाइन करता है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी अथॉरिटी जो भी पावर होता है वो भी जो है डेलीगेट की जाता है वो भी ट्रांसफर किया जाता है अपने सबॉर्डिनेट को सुपीरियर द्वारा तो उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल हो वो सारे काम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है तो इसलिए वो क्या करता है अपने टास्क को असाइन करता है किसी दूसरे पर्सन को यानी कि जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को जो है वहाँ पर टास्क को असाइन करेगा तो इसी को क्या कहते हैं डेलीगेशन कहते हैं जिम्मेदारी करा तो कि थी कराएं तो डिपार्टमेंट हैं उनको जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि आप रिफ्रेशमेंट का आप डेकोरेशन का आप जो है किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करेंगे तो दैट इज डेलीगेशन तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर डिनेट तो जब एक सुपीरियर यानी कि एक हायर लेवल पे बैठा हुआ एम्प्लॉय अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय को जो है टास्क को ट्रांसफर करता है अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करता है तो उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं डेलीगेशन अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार तो जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का जो अधिकार एच का था अब वो अधिकार जो है उसमें हमने रिक्रिएशन के लिए किसी और को दे दिया हमने जो है डेकोरेशन के लिए किसी और को दे दिया तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्लियर तो डेलीगेशन क्या हो गया डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहाँ पर आप जो है टास्क को शेयर कर रहे हो आप क्या करो यहाँ पे जो भी आपको टास्क था आपने उसको क्या किया शेयर कर लिया अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ फिर सबॉर्डिनेट्स ने वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करके आपके टास्क को कम्प्लीट कर लिया तो अब जो है एच जो है वो अपने अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए या टीचिंग टास्क हो गया उसको भी परफॉर्म कर लेगा और साथ ही साथ वहाँ पर जो है उसका तीसरा जो टास्क था कि फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करें थी वो भी जो है वो परफॉर्म हो जाती थी क्या हो गया ये प्रोसेस हो गया जहाँ पर आप टास्क को शेयर करते हैं क्यों करते हैं टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर जो मैनेजर होता है उसके बर्डन को कम करने के लिए आप जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं क्लियर तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो मैनेजर होते हैं जो हायर लेवल अथॉरिटी पे होते हैं उनके बर्डन को कम करने के लिए उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपने टास्क को अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को यानी कि वो अपने पास उनके पास जैसे चार पांच काम है तो उसमें से उनके पास बर्डन हो गया तो एक काम को किसी अपने सबऑर्डिनेट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं अथॉरिटी के साथ तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं तो डेलीगेशन को डिफाइन किया है लुइस एलन ने लुइस एलन क्या कहा कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट दैट ही ही परफॉर्म परफॉर्म पार्ट ओनली कैन इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विथ वॉट डेलीगेशन क्या हो गया डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां पर मैनेजर क्या करता है कि उसको जो भी टास्क असाइन किए गए हैं वो जो है डिवाइड कर देता है अपने सब के बीच में जिससे कि वो मैनेजर जिस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है उसको अच्छे से परफॉर्म कर ले और जो बाकी बचता है उसमें

डेलीगेशन है डेलीगेशन करने से जो हाई प्रायोरिटी के टास्क होते हैं उसको मैनेजर को परफॉर्म करने में आसानी होती है इनेबल्स अ मैनेजर टू यूज़ हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ तो उससे जब आप डेलीगेट कर दोगे आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे जो भी असाइनमेंट्स थे आपने उसको क्या किया अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया तो अब आपके पास टाइम बचेगा तो अब आपके पास टाइम बचेगा तो जो हाई प्रायोरिटी के टास्क होंगे आप उनको परफॉर्म कर लोगे जो बाकी टास्क थे उसको आपने डेलीगेट कर दिया वो कोई और जो है आपका सबॉर्डिनेट परफॉर्म कर देगा क्लियर इट्सटिस्फाइज दी सबॉर्डिनेट्स नीड फॉर रिकोगशन एंड प्रोवाइड्स देम विथ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव तो अब अब जब मैनेजर जो है अपने टास्क को डेलीगेट करता है अपने सबॉर्डिनेट को तो सबॉर्डिनेट के पास भी मौका रहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके क्लियर उसको रिकोगनाइज मिल सके यानी कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा डांस परफॉर्म किया या फिर फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज हुई तो वहाँ पर एच ओडी की तारीफ के साथ साथ जो जिन लोगों ने इन्वॉल्व थे उसको ऑर्गेनाइज करने में रिफ्रेशमेंट में या फिर डांसिंग प्रोग्राम में या फिर जो है उसके डेकोरेशन में तो उनको भी रिकोगनीसन मिलता है कि इन्होंने जो है डेकोरेशन किया था इन्होंने जो है डांस प्रोग्राम किया था इन्होंने जो है रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट किया था तो उससे उनको भी रिकोगनीशन मिलता है तो डेलीगेशन से जो है आप अपने सबॉर्डिनेट को भी रिकोगनाइज करवा सकते हैं और साथ ही साथ उनको इनिशिएट करने में हेल्पफुल हो सकता है उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी मिल जाती है द मैनेजर शैल स्टिल भी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो जो मैनेजर डेलीगेट कर रहा है अपने टास्क को अपने असाइनमेंट को अपने ट को तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह अब अकाउंटेबल नहीं होगा अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही जवाबदेही अभी भी एच की ही होगी यानी कि एच का ही टास्क था एचओडी का ही असाइनमेंट था कि उसको फ्रेश पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है तो अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो अकाउंटेबिलिटी एच की ही होगी यानी कि डायरेक्टर अगर पूछता है या फिर कॉलेज का मैनेजमेंट पूछता है तो एच को ही जवाब देना पड़ेगा क्लियर आपने डेलीगेट कर दिया है वह अलग चीज है लेकिन आपकी जवाबदेही रहेगी ही मैनेजर की जवाबदेही वहां पे रहती है दथोरिटी

अथॉरिटी क्लियर अब यहां पे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात कर लें तो डेलीगेशन में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो अथॉरिटी अथॉरिटी यानी कि अधिकार यानी कि जो पावर होते हैं यानी कि जब भी आप डेलीगेट करते हैं अपने टास्क को किसी थर्ड पर्सन को या अपने सबॉर्डिनेट को तो वहां पर आप जो है अथॉरिटी को भी डेलीगेट करते हैं यानी कि उसको पावर भी देते हैं आपने उसको काम तो दे दिया लेकिन आपने उसको पावर नहीं दिया तो फिर क्या वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो अथॉरिटी का ट्रांसफर होना डेलीगेशन होना जरूरी होता है अथॉरिटी रिफर्स टू दी राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन तो अथॉरिटी

तो अथॉरिटी क्या हो गया अथॉरिटी इज़ दी राइट टू टेक डिसीजन जैसे एच है तो एच के पास ये अथॉरिटी था कि वो किससे काम करवाए किससे रिक्रिएशन का किससे जो है डेकोरेशन का किससे जो है डांसिंग का जो है काम करवाए ये उसके पास अथॉरिटी है और वो ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा काम करने वाला है तो दैट इज़ अथॉरिटी अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो अथॉरिटी कहाँ से फ़्लो करती है टॉप टू बॉटम जो हाई लेवल पर होगा उसके पास उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी और जो लोअर लेवल पर होगा जो सबॉर्डिनेट होगा उसके पास उतनी ही कम अथॉरिटी होती थे तो

यानी कि जब किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी यानी कि आप सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी दे दीजिए और अथॉरिटी मत दीजिए तो भी बेकार है और अथॉरिटी दे दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए तो भी वो बेकार है तो अथॉरिटी के साथ रिस्पांसिबिलिटी तो रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी से ही आती है the the of a to the duty. तो रिस्पांसिबिलिटी इज द ऑब्लीगेशन ऑफ ए सबॉर्डनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया है? एक ऑब्लीगेशन हो गया जिम्मेदारी हो गई कि जो भी आपको ड्यूटी असाइन की है आप उसको परफॉर्म करिए रिस्पांसिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये अपवर्ड फ्लो करता है यानी कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी आपके मैनेजर के लिए होती है यानी कि ए सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज भी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर एक सुपीरियर के लिए सबार्डिनेट जो है वो रिस्पांसिबल होता है ये बॉटम टू अपवर्ड हो गई वहीं पर जो अथॉरिटी थी वो टॉप टू बॉटम थी क्लियर वैन एन एम्प्लॉई इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी टू कैरिएट आउट तो जब भी किसी इंसान को किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो यहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए तभी वो अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएगा क्लियर अब आपको जो है बोल दिया गया कि आपको इस केस को डील करना है और लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई कि किसी केस को इन्वेस्टिगेट करिए लेकिन आपको जो है वो पावर वो अथॉरिटी नहीं दी जाती है तो आप उस केस को आसानी से डील नहीं कर पाएंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो रेस्पॉसिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी वहां पर पावर भी दी जाती है इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे लीड टू मिस ऑफ अथॉरिटी यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज्यादा आपको अथॉरिटी दे दी जाए तो इससे जो है आप अथॉरिटी का मिस कर सकते हैं एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू इज मोर देन अथॉरिटी इट मे मेक अ पर्सन इन इफेक्टिव वहीं पर वॉइस बचता है कि अगर आपको रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा दे दी जाए अथॉरिटी आपको कुछ न दी जाए तो इससे फिर आप अपना टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जो है यहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विवेलेंट होनी चाहिए यानी कि बराबर में होनी चाहिए जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी जानी चाहिए और जिस तरीके की अथॉरिटी आपने दी है उस तरीके की रिस्पांसिबिलिटी आपको देनी चाहिए ना ही अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना ही रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए दोनों ही बैलेंस रखना है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है दैट इज अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तो यहां पे जब आप किसी को टास्क असाइन करते हो आप जो है उसको डेलीगेट करते हो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी देते हो तो अब उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि अब उसकी जवाबदेही भी उस टास्क के लिए बनेगी आपने जिसको भी डेकोरेशन की रिस्पांसिबिलिटी दी होगी उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो डेकोरेशन का, का काम कंप्लीट करे और अगर वो जो है काम नहीं कंप्लीट करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी उसकी जवाब ही बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा अकाउंटेबिलिटी है उसकी कि एक बार आपको डेलीगेट कर दिया गया अथॉरिटी और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे 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 और आपने उसको कर लिया तो फिर अब जो है आप अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते हो यानी कि अगर डेकोरेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अब आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप बताइए कि क्यों नहीं काम कंप्लीट हुआ इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपने

अकाउंटेबल भी होंगे आप ही जवाबदेही होगी कि वो काम कंप्लीट हुआ तो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ जो सारी जवाबदेही उस सबॉर्डिनेट की होगी तो सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल फॉर सुपीरियर तो यही तीन एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के दैट इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटिबिलिटी अथॉरिटी जब आप किसी को देते हैं तो उसके साथ साथ आप उसको रिस्पांसिबिलिटी भी देंगे और अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो वहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है क्लियर तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू सबॉर्डिनेट यानी कि जब आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी को तो वहाँ पर आप उसको कोई ना कोई ड्यूटी जो है सबॉर्डिनेट को असाइन करोगे उसके बाद अथॉरिटी जो है उसको ट्रांसफर कर दोगे वो जो है उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा सब और फिर जो है रिस्पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है जब आप किसी को कोई टास्क असाइन करोगे एकसेट तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और वो क्लियर तो अगर हम कंक्लूड करें तो अथॉरिटी एंड अकाउंटिबिलिटी तो अगर आपने किसी को अथॉरिटी डेलीगेट की है तो वहां पर उसको रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है और जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी वहां पर बनेगी दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बात कर लें कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है तो डिपार्टमेंटेशन नाम से क्लियर है कि डिपार्टमेंट विच कंप्राइज़ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हु कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर डिपार्टमेंट किसको कहते हैं एक डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो कि सिमिलर टाइप का होता है जैसे कि आपके कॉलेज में होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो ये क्या है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं कुछ फैकल्टीज होते हैं कुछ जो कि एक टाइप के नेचर को वर्क को परफॉर्म करते हैं तो डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज इं टू सेवल यूनिट फॉर द परपज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ग्रुप कर देना एक्टिविटीज़ को अलग अलग यूनिट्स uh, में ताकि इजिली से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके सभी लेवल पे तो इट डिटरमाइन द फंक्शन एक्टिविटीज़ विच आर टू बी हाउस टुगेदर यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग एड्रेस को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डिटर्माइन करते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करते हैं सेम प्लेस पे फर्दर इट ग्रुप्स द पर्सनल हु विल अंडरटेक द डेलीगेटेड फंक्शन तो पहले तो एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में क्लियर करते हैं जो कि रिलेटेड एक्टिविटी उसके बाद उसको हैंडल करने के लिए हम एम्प्लॉय को भी डेलीगेट कर देते हैं वहाँ पर ताकि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन का तो टू स्पेशाइज एक्टिविटी एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइज

अब हम बात कर लें कि मेथड क्या है डिपार्टमेंटलाइजन का तो एक तो आप बाई फंक्शन है कि फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट फिनांस डिपार्टमेंट मार्केटिंग में जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट डेवलप कर सकते हैं दूसरा है डिपार्टमेंटेशन बाई प्रोसेस यानी कि जो कंपनी में प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खासकर प्रोडक्शन के केस में होता है जैसे कि स्पिनिंग हो गया वेविंग हो गया डाइंग हो गया पैकिंग तो अपने अलग अलग काम हैं होते हैं प्रोडक्शन में तो आपने उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करेगी स्पिन डिपार्टमेंट है वेविंग डिपार्टमें डाइंग ये पैकिंग डिपार्टमेंट है इसी तरीके से दूसरा तरीका डिपार्टमेंट से बाई प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट आप जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट बी का दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट सी का तीसरा डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिजाइनिंग रिसर्च का अलग अलग सब डिपार्टमेंट है फिर इस हम कस्टमर के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे होलसेल डिपार्टमेंट है यानी कि होलसेल कस्टमर है रिटेलर कस्टमर जो होते हैं हमारे रिटेल डिपार्टमेंट में जाएंगे वहीं पर जो फॉरन के कस्टमर है वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट पे आएंगे तो हम जो है डिपार्टमेंटेशन कस्टमर के बेसिस पे भी कर सकते हैं तो इतने तरीके से हम जो है डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं एक और है टेरिटरी यानी कि बाउंड्री यानी रीजन के बेसिस पे भी हम डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं जैसे कि नॉर्दर्न रीजन डिपार्टमेंट मैनेजर ईस्टन रीजन डिपार्टमेंट साउदर्न रीजन डिपार्टमेंट वेस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट यानी कि हम रीजन वाइज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं यानी कि नॉर्थ एरिया में जो भी वर्क होगा वो नॉर्थ डिपार्टमेंट देखेगा साउथ एरिया का जो भी प्रॉब्लम होगा एक्टिविटी होगी वो साउथ डिपार्टमेंट देखेगा तो इस तरीके से हम टेरिटरी यानी रीजन के बेसिस पर भी डिपार्टमेंटस क्रिएट

इस टाइप के हम ऑर्गेनाइजेशन uh, को क्या कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन तो ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स क्या है हैं सेंट्रलाइजेशन के तो एडवांटेज हैं सेंट्रलाइजेशन के इजियर टू इंप्लीमेंट कॉमन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फॉर द होल बिजनेस प्रिवेंट्स अदर पार्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम बिकमिंग टू इंडिपेंडेंट इजियर टू कॉर्डिनेट एंड कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड ओवरऑल सेविंग ईजियर टू अचीव क्विकर डिसीजन मेकिंग होता है एट डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर ब्यूरोक्रेटिक टाइप का हो गया लोकल और जूनियर मैनेजर्स आर लाइकली टू मच क्लोजर टू कस्टमर नेट लैक ऑफ अथॉरिटी डाउन एंड हैरारकी में रिड्यूस मैनेजर मोटिवेशन का था। हो जाता है कस्टमर सर्विस डज डिज फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पीड ऑफ लोकल डिसीजन मेकिंग की एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक जगह पर डिसीजन मेकिंग नहीं होता डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गनाइेशन इन द कंटेस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड असाइन टू एम यानी कि जो भी ड्यूटीज इंप्लॉय uh, को असाइन की गई तो उसके अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी भी दे, दे देना यह चीज़ क्या कहलाता है डिसेंट्राइजेशन कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्पर्सल ऑफ द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी सेंटर डिसीजन मेकिंग की uh, पावर होती है अथॉरिटी होती है उसको पूरे ऑब्जेशन के अकॉर्डिंग उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना जोसेफ मैसी कहते हैं डिसेंटलाइजेशन इज एन ऑर्गनाइजेशनल कॉन्सेप्ट विच टेक्स डिसीजन मेकिंग टू द लोअर लेवल कि इसमें डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल तक डेलीगेट की जाती है तो एडवांटेज इसके भी होते हैं और इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं जो कि आप इस स्क्रीन पर देखे जाओगे जैसे डिसीजर मेड क्लोजर टू द कस्टमर इम्प्रूव लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस गुड वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग जूनियर मैनेजमेंट जूनियर मैनेजमेंट को अच्छा तरीका है डिसेंटलाइज के थ्रू डेवलप करना ट्रेन करना और वहीं पर भी है इसके कि जैसे डिसीजन मेकिंग इज नॉट नेसेसरी स्ट्रेजिक जरूरी है कि स्ट्रेटिक तरीके से होगा मे बी सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑकर हार्डर टू अचीव टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क टू ऑफ कॉस्ट ओवर ओवर रन तो इस तरीके के केज भी हो सकते हैं डिसेंटलाइज में तो इस वीडियो में इतना ही तो यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग